Good morning, students. As you know that yesterday we discussed about magnetic properties of a magnet, okay, and we have already discussed two properties. So now let's move further and discuss rest of properties. These are like poles repel each other, and fourth one is magnetic poles always exist in pair. So पहले जो हमारा पहली वाली property है जिसमें कि हमें बताया गया है कि जो आपके अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. इसको हम एक्टिविटी से समझ लेते हैं. हेयर टू मैग्नेट्स, बार मैग्नेट हैं यहाँ पे दो, और जैसे कि आपको बताया गया है आपका जो जहाँ पे हमने वाइट मार्क किया गया है ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पोल आपका साउथ पोल होता है. ओके, सेम एज दूसरे मैग्नेट में भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसके नॉर्थ को, इस मैग्नेट के नॉर्थ के पास दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ वाले पोल को लाती हूँ, सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे हमें रिपल्शन देखने को मिलता है, दे रिपल ईच अदर, और ये अपोजिट यानी कि जो अनलाइक पोल्स थे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि जो लाइक पोल्स है ये क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं. रिपल मीन्स क्या होता है, पीछे हटना या दूर जाना. और जहाँ पर क्या है, ये आपके अनलाइक पोल्स हैं, इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपल ईच अदर. ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, कोई सा भी मैग्नेटिक पोल हो वो पेयर में ही रहता है, मतलब अगर उसमें नॉर्थ पोल है तो उसमें साउथ पोल भी होगा. इफ़ आई विल ब्रेक अ मैग्नेट, अगर मैं इस मैग्नेट को ब्रेक कर देती हूँ बीच से, तो ऐसा नहीं है कि इसका एक पोल जो है वो अलग हो गया या फिर इसमें एक ही पोल बच गया है, नहीं, अगर ये टूट गया तब भी इसमें दो पोल्स होंगे. जो टूटा हुआ हिस्सा है जहाँ पे ब्रेक हुआ है वहाँ पे इसका दूसरा जो पोल है वो फॉर्म हो जाएगा. इस तरीके से कोई भी मैग्नेट हो वो अपने पेयर में रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल उसमें होता है, चाहे हम उसके कितने भी पीसेस कर दें उसमें दो पोल्स फॉर्म हो जाते हैं. ओके, सो दीज आर थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. सो यहीं पर हमारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो फिनिश होता है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर.